कनिका। आप? शालिनी। कनिका शालिनी, नाम तो बड़ा यार आप लोगों का बवाल है। हेलो मोहतरमा जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, हम भी थोड़े बहुत ऐसे। वैसे क्या कर रहे हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? लाइट आ रही है थोड़ा थोड़ा, सूर्य की रोशनी देखिए आप पे पड़ रही है ना। आजकल का धूप अच्छी लगती है ना हम लोगों, जैसे आज तो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड का वेट कर रही हो कि बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो? फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड का वेट नहीं कर रही हो? बॉयफ्रेंड है नहीं, सिंगल। सिंगल बनाई हो? दिल्ली में लड़की है सिंगल? तो वो तो मैं हूँ ना, मिंगल हो जाऊँगा। वैसे एक बात कहना चाहेंगे, आप बहुत प्यारे लगते हो। हमारे गाँव में एक बात है कि आप बवाल लग रहे हो। गाँव जानते हो? डू यू नो विलेज? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आप, मतलब कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बेसिकली वैसे दिल्ली की हूँ, बट पंजाब से बिलोंग। हरियाणा पंजाब वाले हो ना? पंजाबी कुड़ी है? मनु तो बड़ी नीक लाज से बोलते ना वहाँ पे, तुसी बड़ी कैंट लगती है। हाय हाय, कंटास लगती हो, हमारे तरफ कंटास बोलते हैं। हम थोड़ा नवाबों के शहर से, लखनऊ से हैं। नवाबियत हमारे पास भी है, लेकिन अब इतनी कहाँ भैया, लड़कियों की बात ही कुछ और है। अच्छा एक चीज़ है, लड़कियों को रसगुल्ला, हॉट, प्रीटी, गॉजियस, माल, बवाल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हम लड़कों को कोई नहीं बोलता कुछ यार। ऐसा क्या हम लोग कोई गुनाह किया गया हम लोगों ने? ऊपर वाले ने मतलब ठप्पा लगा के भेज दिया, जाओ तुम सालो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है ना बॉयज के, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स निकालते रहते हैं लड़कियों के लिए। बट अच्छा, जैसे मैंने आपको देखा तो मैंने ताड़ा कितनी, मुझे लगा कि आपसे मुझे बात करनी चाहिए। आप लोगों का भी दिल करता होगा यार लड़कों को देख करके ताड़ने के बाद कि हाँ यार इससे बात करूँ? वो थोड़ा एक बना के रखना पड़ता है ताकि कोई लड़का इतनी जल्दी चांस ना मार जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये भी है कुछ तो यार, कुछ तो देखो यार कॉमन है हम में और आप में, आप मानो या ना मानो, मगर हकीकत है, इसको हर इंसान की ज़रूरत है। जरा मेरी महफिल में तो बैठ जाओ, फिर आपको बताऊँ ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। थोड़े बहुत अच्छा लगता है मुझे सारी चीज़ें करने। अच्छा आपको अगर आपका लाइफ में कोई एक्स रहा है? हाँ। मतलब आजकल तो सिंपल सी बात है, हर इंसान रखता है एक्स आगे वाले वाले। मैं एक ही सिंगल एक्स की बात कर रहा हूँ, डबल एक्स की बात, ट्रिपल एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब वो तो गया मिलन डे, वेलेंटाइन डे से वो तो गया, तो अब नई लाइफ, नए लोग, नई जिंदगी। नहीं ऐसा मेरा ऐसा है कि सर्कल हाँ। बहुत छोटा रखना, लाइफ उतना ज़्यादा से। मतलब वही कहते हैं ना कि 5 मिनट के काम के लिए घंटी कौन बांधे गली में, सारे मतलब ही हैं, चलना अकेले पड़ता। बात तो आपने सही की यार, मतलब सच्चा साथी वही है जो आपको कदम कदम पे आपका साथ दे। सच्चा साथी बस माँ बाप होता है, उनके अलावा कोई। मैं अपने जज्बों और जज्बात से कहना चाहूँगा कि आपने प्यार में बहुत तगड़ा धोखा खाया, ऐसा मुझे लगता है। क्या सच्चाई है इसमें? बहुत बड़ा धोखा खाया ना आपने। अच्छा उसने चीट किया था ना कि आपने किया था? चीट किसी ने नहीं करा, मतलब दोनों ने मिल के मतलब कन्फर्म कर लिया था कि ब्रेकअप करना है। मन भर के तो छोड़ दिया। ये तो घटिया चीज़, ये तो मतलब ऐसे यार, मतलब यार मुझे नहीं कहना चाहिए। देखो यार अगर मैं एक लड़की को ही बोल दूँ कि लड़की ही गलत थी या लड़का ही गलत था, तो ये तो बेकार सी बात हो गई। कहीं ना कहीं दोनों की कुछ ना कुछ मिस्टेक रही होगी। दोनों अपनी अपनी तरफ से देखें तो दोनों सही हैं, बट कहीं ना कहीं वो सर्कमस्टेंस। लेकिन एक चीज़ आप मेरी बात हमेशा याद रखना कि मतलब ठीक है मैं आपको लाइन तो मार रहा हूँ, पटाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप पट भी जाओगे। पहले सुनो तो बात हमारी, एक चीज़ आप जान लो, अगर किसी एक लड़की को पाने के लिए या एक लड़के को पाने के लिए बहुत लोगों को छोड़ना पड़े, तो उससे बेहतर है उस लड़की को छोड़ दो। बात तो मैंने सही बोली ना, हमारे बारे में भी पूछ लो हम क्या करते हैं। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और लड़की पटाना मेरा पेशा है, मजाक कर रहा हूँ। लड़की पटाना उटाना मेरा कोई पेशा नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाना मेरा पेशा है, ये भी एक मजाक था, रियल जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। मुझे भी एक अच्छी लड़की की तलाश है, वो मूवी वाली तलाश नहीं है, मतलब रियल कोई मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड हो जो मेरा ख्याल रख सके। आनी होगी अपने आप आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो आप ही अच्छे लग गए, आप पहली नज़र में मुझे आपसे बोल दो प्यार हो गया, तो वो अलग चीज़ है, अट्रैक्शन हो गया मैंने आपको देखा, क्योंकि आप बहुत क्यूट हो अट्रैक्शन, और आप वाइट ड्रेस में पता नहीं माशाल्लाह आप बवाल लग रहे हो। हमारे गांव में तो लोग आपको देख लें तो पता नहीं कत्ले आम हो जाए। तेरी इन आँखों में जो जहर है ना, वो बहुत मीठा है, पी लूँगा तो मरूँगा नहीं, आबाद हो जाऊँगा। तो क्या पिलाना चाहोगे मुझे ये जहर? मैं ऐसे किसी को मारना पसंद नहीं करूँगी। मतलब मारना नहीं पसंद करोगे? मैं तो, तू एक बार अगर मेरी आंखों में देख ले तो मैं मर जाऊंगा यार, तुझे बस देखने की ज़रूरत है। अभी भी देखूँ, मर नहीं रहे। यहाँ तो चोट लग रही है ना, तू बहुत क्यूट है यार, सच्ची बता रहा, मतलब तुम क्यूट हो यार। वो तो ठीक है, हर लड़का आजकल आसकी वासकी वाली बात करता है कि तेरे आने से कुदरत जहाँ मिलता है, तेरे जाने से सब कुछ नापाक लगता है, तू नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन वो सब मेरे अंदर नहीं है। मेरे मैं चाहता हूँ कि अच्छा मैं टैलेंटेड तो हूँ ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हूँ।
मैंने देखा था आपका टैलेंट जो मैं अच्छा क्या टैलेंट्स का मतलब क्या देखना चाहोगे आप? ऐसे मैं आपसे बता दूं, मैं प्रोफेशनल व्यक्ति हूं और प्रोफेशनल लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, और आप हमें बहुत प्रोफेशनल लग रहे हो। वैसे आप करते क्या हो? वैसे मतलब अभी तो स्टडीज चल रही है। स्टडी में क्या? ग्रेजुएशन आप बीए कर रहे हो? इंग्लिश ऑनर्स? मेरा नॉट इंग्लिश ऑनर्स, इट इज इन पॉलिटिकल ऑनर्स। तो बढ़िया यार, तुम पॉलिटिक्स संभालना, बाकी तुम्हारा सारा डेटा मैं फीड करूंगा, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो तुम्हारा दिल में डालूंगा ना, टक 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 टक, सिर्फ मुझे याद करेगा। वैसे एक जान लो, लड़की पटाने के विषय में पीएचडी हूं, लेकिन पता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सारी हैं, अभी तक पटी तो 100 माइनस है, अभी एक प्लस होगा जो 1 होगा वो आप हो। मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ आप हो, और मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं। अब देखिए, लाइफ आपकी है, मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है। पाया ही कब जो आप मुझे खो दोगे? अभी मैंने आपको पाया ना, पता है ऐसे हम किसी के साथ, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 से 3 साल का आपने टाइम बिता दिया होगा, गुजार दिया होगा, पता नहीं कितने रातें साथ में घूमे होंगे, बातें की होंगी, पता नहीं क्या क्या आपने किया होगा, मतलब हर इंसान करता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन हाँ, फिर भी वो रिश्ता छूट गया, हम भले ही अननोन मिले हैं, रैंडम है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा करो। मैं वादा तो नहीं करता हूँ चांद तारे सब कुछ आपके कदमों तले बिछा दूंगा, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूँ, ये जो आपके चेहरे की मुस्कान है ना, इसे हमेशा मेंटेन करके रखूंगा। इससे बेहतरीन लाइन अपनी लाइफ में कभी नहीं बोला किसी को, और सिर्फ आपको बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ में आ जाओ, मुझे आपका नंबर चाहिए, फाइनल अपना नंबर तो दे दो। अच्छा लड़का हूँ यार, ट्रस्ट करो, आप भी बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो, बहुत स्वीट हो। आप ही का नंबर है, मैं ट्राई तो कर लूँ, क्योंकि लड़कियाँ नंबर कभी कभी, मेरा नंबर ही है। आप ही का तो कॉल करके देख लूँ ना, अगर आपका होगा तो मेरे दिल की घंटी बजेगी। हाँ आप ही का है। वाह लड़की मतलब इंग्लिश गाना सुनती है। तो मतलब एक काम करते हैं, हम पहले बात करते हैं एक दूसरे से, मतलब बात करते हैं इजली जैसे लोग बातचीत करते हैं, 2 से 3 दिन हम बात करते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप अपनी तरफ से मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस देना, यदि ना अच्छा लगे तो सट ऑफ वहीं से। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैं जिस लड़की से 2 दिन बात कर लेता हूँ, दिल से अगर बात कर लूँ ना, तो वो सिर्फ विवेक को याद करती है, मेरा नाम विवेक, वो किसी और को याद नहीं करती, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, मेरी बात तो पसंद आई ना आपको? बिल्कुल, मैंने बात तो सही बोली ना, फिर ये मैं सोचेगा कि कोई लड़का रैंडम मिला तो वो सही नहीं है। अच्छा हो, आ जाओ कॉफ़ी पे। मोहतरमा हाय विवेक, कनिका आप, कनिका शालिनी, नाम तो बड़ा यार आप लोगों का बवाल है, दबंग लग रही हो यार तुम, कोई मूवी भी तो नहीं शूट करके आई हो अभी, दबंग पार्ट 2, 3, 4, 5 कोई? नहीं, 3 तो आगे आगे, 4, 5 का देखते हैं। देखते हो? वैसे क्या करते हो? ब्लॉगिंग, इंस्टा पे। ब्लॉगिंग करती हो, इतना सुंदर सुंदर चेहरा लेकर के। वैसे हम एक बात कहना चाहेंगे, तुम पूरा बवाल लग रही हो, माल कम बवाल ज़्यादा। बवाल का मतलब समझते हो, किसी चीज़ को देख लो ना, जब वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक आकर्षित अपनी ओर करने लगे तो वो बवाल हो जाता है, हमारे गांव में उसको बवाल करते हैं। क्या पर्सनालिटी? तो एक काम करते हैं हम, यहाँ किसी का वेट कर रहे हो क्या? नहीं, किसी का वेट नहीं कर रहे हो, निडल्ले घूम रहे हो। आपको पता है वैलेंटाइन डे तो चला गया, हाँ। आप लोगों का कोई था? मेरा है। तुम्हारा है? हाँ। तो तुमने पहले ही अपने प्लॉट रजिस्ट्री करवा रखी है, तुम्हारा सिंगल है, तो हम होम मिंगल हो जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, सिंगल लड़की पे चांस तो मारूंगा यार। वैसे यूपी का जवान लौड़ा हूँ, और यूपी की जवान लड़की चाहिए, वो भी दबंग वाली, तो मुझे मिल गई। कहाँ से हो? दिल्ली से हो? नहीं, उत्तराखंड। मुझे उत्तराखंड की यूके की चाहिए यार, यूपी और उत्तराखंड एक ही में था, पता है कि नहीं? कुछ लोगों ने मिलकर के बांट दिया हमारे अलग अलग जिस्मों को, मतलब लेकिन दिल हमारा एक ही है आज भी। तो मतलब यार तुम मेरे सपनों में आती थी कभी कभी, मैंने ऐसा नोटिस किया था। पहले कभी देखा है मुझे? हाँ देखा है, चाहत की आंखों से जो यहाँ है। सच्ची उधार, बहुत प्यारा मुस्कुराती हो वैसे तुम, पान मसाला तो नहीं खाती हो? मजाक कर रहा हूँ यार, इतना तो मजाक बनता है यार लाइफ में। लाइफ में कोई एक्स वैक्स था? एक एक्स की बात कर रहा हूँ, 2 एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 एक्स? ट्रिपल एक्स? नहीं मतलब तुमने ही तो बोला, मतलब 3 लड़के आगे लाइफ में? नहीं नहीं, मतलब कितना एक्स था? एक था, दो था, कंफर्म तो कर लो पहले। ड्यूरेशन बताओ, कंफर्म कर देगी। अरे ऐसी बात है लड़की, देखो अरे लड़की स्मार्ट है, ये तुम्हारी फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट, तो ठीक है, ये बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी, और मैं तो तुम्हारा जो बनूंगा वो तो बनूंगा बॉयफ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड वेंड में मजा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, तुमसे तो मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमेशा, तुम्हें कॉफी वॉफी फ्री में पिलाऊंगा हमेशा, तुम्हारा तुम्हें जो इनसे ज्यादा तुम्हें कॉल करूंगा, ताकि तुम्हें मेंटेन रखूं, तो ये मेंटेन रखें। नहीं ऐसा नहीं है, वो समझती है मेंटेन है। कनिक नाम है ना? कनिका विवेक, क्या नाम में भी क्या ताजगी है, फ्रेश करके, मतलब आप लोगों से बात करके मेरा मूड बन गया, फ्रेश वाला मूड।
मतलब गलत वे में मूड नहीं, मूड कई तरीके से ही बनते हैं यार। मतलब सामने वाले से अगर बात करो और एनर्जी आ जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है यार। वैसे मैं सच्ची बताऊँ, हमारे गाँव चलो आप, मैं गाँव ले चलूंगा, और मेरी मम्मी को ऐसी बहू चाहिए थी एकदम गजब वाली। कहो तो मम्मी से अभी बात भी कर लो, क्या पर्सनालिटी है। अच्छा मम्मी से बात करवा दो, मम्मी से बात करो। सुनो पहले हम दूसरे को सेट कर लेते हैं, अभी मम्मी तक रिश्ता थोड़ा बाद में ले जाएंगे, क्योंकि अभी ले जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना, तुम मेरी मम्मी से बात करना। वैसे तुम्हारा वेट कितना होगा? लड़की कभी एज और वेट नहीं पूछती लड़कियों का, लेकिन हम पूछते हैं नापने के लिए नहीं, उनके बराबर सोना होना देने के लिए, लड़कियों को गिफ्ट करने के लिए, मतलब तुम्हारे बराबर कुछ बनवाना। एज तो हम तुम्हारी पूछेंगे नहीं, मुझे पता है तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 साल होगी। 18। ये तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मेरे पास आधार कार्ड की फोटो है। आधार कार्ड दिखाओ। दिखाओ? नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। 18 साल की हो तुम? हमारी कितनी होगी बताओ, जज करो आप हमारी कितनी होगी? 23 होगी। लड़की ने जज किया इसका मतलब मैं इसका बॉयफ्रेंड हो गया। अच्छा, तो आपका तुम्हारा तो मैं फ्रेंड ही रहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहूंगा। इससे ज्यादा करना भी नहीं है। वो मतलब पहले ही से ही मतलब गलत वे में जा रही है। तो और तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अच्छा जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तुमने उसे क्यों छोड़ा था? छोड़ दिया। वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था तुम्हें ना? मेंटेन नहीं कर पा रहा था। बट मैं तुम्हें मेंटेन करूंगा अच्छे से। तो हाँ दिल्ली में रहते हो प्रॉपर? हाँ। यहाँ मेरी भी थोड़ी दूर पे कोठी है, तो कभी मेरी भी कोठी पे आके देखना। नवाब है, नवाबों के सर लखनऊ से है, नवाबी चलती है। गाँव में अपने पास जमींदारी है, 400-500 एकड़ जमीन है, बस यही सब है जो आपके सामने मेरी खुली किताब है। तो लाओ दे दो नंबर, बातचीत करते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज आप मारना भगा देना। क्यों आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझते हो ना? चलो अपना नंबर बताए। दिल्ली है यार, 36 आएंगे 36 जाएंगे। आप ही गए ना? हाँ। कर लूँ जानू बाबू, किस नाम से कर लूँ आप बताओ? नाम से तुम्हारा मन कर। राधिका कर लूँ मैं तुम्हारा श्याम? राधिका। आपने तो लड़की का नाम ही चेंज कर दिया। हाँ बताओ। राधिका एक्स का नाम तो नहीं है? राधिका एक्स मतलब देखो तुम लोगों के लाइफ में रही होंगी 2 एक्स 3 एक्स, हमारी लाइफ में पता एक ही एक्स थी जो चली गई। हाँ। मैं ज्यादा एक्स वैक्स नहीं रखता ना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मैनेज नहीं कर पाता। अच्छा। अब तुम 3 एक्स करो या 4 एक्स करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। बट अब तुम मेरी फाइनली गर्लफ्रेंड हो, तो आपको तो पता है पहले हम अच्छा आप बताओ, आप डेट पे गए होगे ना? डेट पे तो आप भी गए होगे। अच्छा डेट पे होता क्या है, क्यों लोग जाते हैं डेट पे? जानने के लिए, बात करने के लिए। हमें तो ऐसा लगता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो अपने माउथ को फ्रेश करने के लिए जाते हैं एक दूसरे। मतलब नहीं नहीं मतलब मुझे अच्छा ये बताओ, मैं तो फाइनली बताऊँ, आखिर चाहे लड़की हो या लड़का, बात आकर आखिर आके टिकती यहीं पे है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अभी इतनी भी शरीफ मत बन, वहीं पे आके टिकती है। आप भी इस चीज को मानोगे, पहले एग्री करो। हाँ 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 मतलब हाँ डिग्री आपने किया, बट मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। हमारी बात यहाँ पे नहीं आके टिकेगी, हमारी बात यहाँ पे और यहाँ पे टिकेगी। दिल की बात दिल ही समझता है, बाकी तो दुनिया बेकार है। तो चलो फिर मेरे साथ, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ डेट पे। अच्छा और इसके साथ आई हूँ वैसे? अरे उसके कहाँ साथ, कहाँ, वो दोस्त है तुम्हारा, खून चूसेगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। एक काम करो तुम मुझे सुन तो ना, सुन ना सुन तो सुनो तो पहले तुम मुझे आजादी दो, मैं तुम्हारा खून चूसूंगा, तुम्हें पतली कर दूंगा और क्यूट सी। वैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये तो एक मजाक, अगर मैं साथ में जाऊंगा तो आपको भी डेट पे ले जाऊंगा, लेकिन पहले आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। नाम क्या था आपका? शालिनी। तो शालिनी मतलब यार आप अगर आप चाहोगे तो ये जाएंगी, आप मना कर दोगे तो नहीं जाएंगी। अब डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि लाइफ आपकी, अगर आप चाहोगे तो हमारा रिश्ता बन जाएगा, आप चाहोगे तो टूट जाएगा, आप जो बोलोगे। अब मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करूंगा, मेरी सारे रिश्ते आप ही के उस पर टिके हुए हैं। अगर आज तो ये मेरी डेट है, आप किसी और दिन ट्राई करना, नंबर है ना आपके पास? मेरे 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 खुशी के लिए आप इन्हें 1 घंटे के लिए मेरे साथ नहीं भेज सकते हो। मेरे पास खुद 2 घंटे हैं इसके साथ। 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में छोड़ दूंगा इनको यहीं पे, आप जो बोलोगे वो होगा। आप एक बार हाँ बोल दो बस, बेस्ट फ्रेंड का डिसीजन है। हाँ आप हाँ इन्होंने तो कह दिया, आप जो बोलोगे 1 घंटे की बात। ठीक है एक ट्राई दे दिया, चलो आप चलो आ जाओ फिर। अब उन्होंने कह दिया तो हम लोग क्या करेंगे ये तो बता दो। बाबू सोना करेंगे। अच्छा मेरी अच्छा फाइनली कितने दिन में गर्लफ्रेंड में? मतलब तुम झेल सकते हो मुझे? मैं तुम्हें झेल लूंगा हमेशा, प्रॉमिस टू बी माय गर्लफ्रेंड। पहले हाँ बोलो, हाँ पहले हाय तो करो छोटा सा। बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो, पता है बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो। तो क्या खिलाओगे आप बता दो पहले। मैं खिलाऊंगी, तुम खिलाओ। क्या खिलाओगे? कुछ तो खिलाओगे ना आप? अच्छा जस्ट लिसन लिसन, बहुत आप बहुत प्यारे हो, आपके बाल वाल देखो कितने क्यूट हो। आपसे एक बात कहें, प्रॉमिस से भी नाराज नहीं होंगे? वो देखो पीछे कैमरा लगाए, जस्ट फॉर फन। ये क्या कर दिया मुझे आगे यार, जस्ट फॉर। अच्छा आप मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी प्रॉमिस। बेस्ट फ्रेंड।